हम लोग टाटा एल्ट्रोज एक्सजेड वेरिएंट में बैठे हैं। इसमें हम लाइटनिंग सेटअप भी जानेंगे, कहाँ कहाँ लाइटनिंग की प्लेसिंग की गई है। तो ये सबसे पहले आप सेंटर कंसोल में आप इमीडिएट लाइटनिंग देख लें जो ब्लू कलर की है और जो काफी बेहतरीन लगती है। यहाँ पे आप मीटर कंसोल और स्टेयरिंग माउंटेड कंसोल में टेलीफोनिक कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के सेटअप दिए गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस के नीचे भी आपको लाइटनिंग सेटअप दिखाई दे। यहाँ पे को ड्राइवर सीट और ड्राइवर सीट के पास भी आपको लाइटनिंग सेटअप दिखाई देगी। यहाँ पे रीडिंग लैंप दिया गया है, वो आप देख सकते हैं काफी बेहतर और बढ़िया फोकस के साथ इसकी रीडिंग लैंप दिखाई दे रही है। अब हम लोग देखते हैं इसके मेन हेडलैम्प के फोकस को। तो इसका मेन हेडलैम्प फोकस देखिए जो जलाने के बाद कितना बेहतरीन और फुल फोकस जो काफी दूर तक जाती है। ये फॉग लैंप और मेन हैलोजन हेडलैम्प दोनों जलने के बाद इतनी बेहतर फोकस वो भी हाईवे पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की फोकस इतनी बेहतरीन है अदर गाड़ियों के अपेक्षा। यहाँ पे मीटर कंसोल भी आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लाइटनिंग व्हाइट सेटअप के साथ दी गई है। ये सेमी और एनालॉग डिजिटल दोनों फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, जिसकी ये इससे ये साबित है कि टाटा ने अपने सभी गाड़ियों में काफी बेहतरीन लाइटनिंग सेटअप दी हुई है। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो टाटा एल्ट्रोज की लाइटनिंग संबंधी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।